मैंने कोसा तुम्हें। जब भी रामसीस ने मुझे अपनी बाहों में लिया, मैंने तुम्हें कोसा उसे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूं। जो मोसेस तुम्हें चाहता था वो कोई और था? नहीं, कोई और नहीं था। तुम्हें लगता है कि तुम बदल गए हो, पर तुम नहीं बदले। तुम खुद को मसीहा कहते हो, जो ऊपर वाले का बंदा है, पर मैं तुम्हें जानती हूं। मैं नहीं मानती कि एक पहाड़ की गर्जन से तुम्हारा दिल बदल गया। तुम आज भी मेरे हो। नेफ्रेटेरी, मैंने ईश्वर की मौजूदगी महसूस की है, उसकी रोशनी को देखा है मैंने। इस वक्त तुम्हारे उस ऊपर वाले ने नहीं, मैंने तुम्हें बचाया है। ओ मोसेस, मोसेस, क्यों मैंने सारी दुनिया को छोड़कर एक बेवकूफ शहजादे से प्यार किया? पर तुम जो कहोगे मैं मान लूंगी, बस मुझे अपनी बाहों में ले लो। क्यों मुझे और अपने आप को तड़पा रहे हो? क्योंकि मैं ईश्वर के साथ बंधा हूं, अपने लोगों के साथ और एक चरवाहे की बेटी के साथ। चरवाहे की बेटी? वो तुम्हारे लिए क्या बन सकती है? या रेगिस्तान की धूप में तुम्हारी मत मारी गई है? उसके बदन से लहसुन की बदबू आती है, या उसका बदन मुलायम है, या उसके लब रेगिस्तान की रेत की तरह सूखे हुए हैं, या वो तरबूज की तरह लाल प्यार भरी रसीले हैं, क्या उसके बालों से इत्र की खुशबू आती है, या भेड़ बकरियों की महक? असली खूबसूरती किसी महक की मोहताज नहीं, वो खूबसूरती हरी भरी वादी और ठहरे हुए पानी जैसी शांत है। वो आत्मा की खूबसूरती है जो तुम नहीं समझ सकती। शायद नहीं, पर आत्मा की खूबसूरती तुम्हारे लोगों को आजाद नहीं करेगी मोसेस। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, वरना वो मिस्र छोड़ नहीं पाएंगे। इज़राइल की तकदीर तुम्हारे हाथों में नहीं है नेफ्रेटेरी। अच्छा, नहीं है? और कौन पिघला सकता है फैरो का दिल मेरे सिवा? हाँ, शायद तुम ही वो प्यारी सी धूल हो जिसके जरिए ऊपर वाला अपना मकसद पूरा करवाए।